हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियोस में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कमांड को समझेंगे और कुछ चीजों को जो समझेंगे हम, क्योंकि इस लेक्चर के बाद हम लोग फ्लोर प्लान बनाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो हम समझ लेते हैं सबसे पहले कुछ जरूरी चीजों को। सबसे पहले जैसे कि ये दोनों लाइन अलग अलग हिस्सों में है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये दो लाइन है बट ये ज्वाइंट है। यहाँ पे ये कॉर्नर है जो वो ज्वाइंट है। अगर मैं चाहता हूँ इनको दोनों को अलग अलग करना तो हम एक्सक्लूड कमांड से कर देंगे। ओके, जब हम फ्लोर प्लान बनाएंगे तो उसमें हमें काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसमें ये एक्सक्लूड कमांड भी जरूरत पड़ेगी हमें। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इन सारी चीजों की जरूरत हमें जरूर पड़ेगी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पहले ही मैं एक वीडियो में बता दूं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों को अलग अलग करना है तो हम एक्सक्लूड कमांड से कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन में मिल रहा होगा, या फिर आप अपने कीबोर्ड में शॉर्टकट इसका एंटर कर सकते हो, एक्स एंटर, ये अलग अलग हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे एक्सक्लूड हो गया, अलग हो गया। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों लाइन अलग अलग है, इनके बीच में गैप है, बट अगर मैं चाहूँ इनको ज्वाइंट करना, दोनों को एक लाइन बना दूं, तो उसके लिए हम ज्वाइंट कमांड का यूज करेंगे, जिसके लिए हम अपने कीबोर्ड में टाइप करेंगे जी। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो ज्वाइंट कमांड का ऑप्शन आ गया है, एंटर करेंगे तो ज्वाइन हो जाएगा हमारा लाइन। ओके, देख सकते हो अभी हमारा लाइन ये ज्वाइन हो गया है। तो वैसे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर कहीं भी लाइन ज्वाइन है अगर, या फिर बाहर निकला हुआ है, जैसे कि मान लीजिए ये लाइन को मुझे यहाँ तक लेके जाना है, एक्सटेंड करना है, यानी कि आगे बढ़ाना है, तो हम उसके लिए एक्सटेंड कमांड का यूज करते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है EX। अपने कीबोर्ड में प्रेस कीजिए EX, तो यहाँ पे देख सकते हो एक्सटेंड कमांड का ऑप्शन आ जाएगा, इसको क्लिक करो। उसके बाद में लाइन पे क्लिक करोगे तो आपका जो है लाइन एक्सटेंड हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो अगर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लाइन एक्सटेंड है और मुझे ट्रिम करना है, यहाँ पे डोर वगैरह का पैनल देना है, तो उसके लिए हम ट्रिम कमांड का यूज करते हैं। ट्रिम कमांड आप यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ पे ट्रिम कमांड का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, जिसके लिए आप अपने कीबोर्ड में उसका शॉर्टकट टाइप करोगे TR एंटर, उसके बाद में लाइन पे क्लिक, यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रिम हो रहा है। ओके, तो हमें ट्रिम कमांड की जरूरत पड़ेगी जब हम फ्लोर प्लान बनाएंगे, तो उसमें ज्वाइंट कमांड की भी हमें जरूरत पड़ेगी और एक्सप्लोड की भी जरूरत पड़ेगी। एक्सप्लोड हमने कैसे करा था, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ओके, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया मैंने, फिर से मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, तीन रेक्टेंगल जैसे कि मैंने यहाँ पे बना लिया, मुझे इसका डायमेंशन कुछ नहीं पता। ओके, डायमेंशन चेक करने के लिए हम लीनियर कमांड का यूज करते हैं। अगर हमारा जो लाइन है या जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो इंक्लाइंड है, तो हम एंगुलर कमांड का यूज करते हैं, यानी कि उससे जिससे हम अलाइन कमांड का यूज करते हैं। अगर एंगुलर शेप में है हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट या लाइन, तो या फिर अगर हमारा लाइन या ऑब्जेक्ट स्ट्रेट है यानी सीधा है, तो हम उसके लिए लीनियर कमांड से मेजरमेंट करते हैं, लीनियर टूल से मेजर करते हैं सॉरी। तो लीनियर टूल का यूज करने के लिए हम अपने कीबोर्ड में शॉर्टकट टाइप करेंगे DLI एंटर, और लाइन के फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, लाइन के लास्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे ऊपर क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन है वो हमें शो करेगा। बट अगर हम DI एंटर करते हैं तो भी हमारा डिस्टेंस पता चलेगा, जैसे कि लाइन के फर्स्ट पॉइंट और लाइन के लास्ट पॉइंट हमें यहाँ पे पता तो चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारा कमांड गायब हो जाएगा, जो भी हमारा लाइन का डायमेंशन होगा वो गायब हो जाएगा। ओके, तो डिस्टेंस कमांड से हम सिर्फ डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, बाकी हम दिखा नहीं कर सकते हैं, शो नहीं कर सकते। ओके, तो हम लीनियर कमांड का यूज करेंगे, जिसका शॉर्टकट होता है DLI एंटर। ओके, फिर लाइन पे क्लिक, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक और लास्ट पॉइंट पे क्लिक, यहाँ पे देख सकते हो इसका डायमेंशन शो करेगा। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मैं DLI एंटर करके दोनों पॉइंट पे क्लिक ना करूं, तो DLI एंटर कीजिए, उसके बाद में आपको दोबारा एंटर करना है, यानी दो बार एंटर करना है। एक बार मैंने एंटर कर दिया, दोबारा एंटर करेंगे, उसके बाद में लाइन पे क्लिक करेंगे और बाहर क्लिक कर दीजिए, दोबारा से DLI एंटर, फिर एंटर, डबल एंटर, यानी एक रेक्टेंगल बन जाएगा आपका जो बिग बॉस होगा वो। लाइन पे क्लिक, बाहर क्लिक, तो अभी देख सकते हो हमारे सामने डायमेंशन शो कर रहा है। ओके, तो हम डायमेंशन जब शो करेंगे अपने फ्लोर प्लान में, तो वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी इन सारी चीजों को। बट हम अगर कहीं भी मान लीजिए मुझे डायमेंशन डालना है, जैसे कि यहाँ पे डायमेंशन डाला हुआ कि किचन मेरे कितने फीट का है, ओके, यहाँ पे रूम कितने फीट का है मेरा डाला हुआ है, बट अगर मैं चाहता हूँ कि मैं चेक ना करता रहूं वैसे डायमेंशन, ऐसे DLI लीनियर ले लेके मैं चेक ना करूं, तो डायरेक्ट मैं वहां पे कर्सर लेके जाऊं और शो कर दे, तो हमारे पास एक ऑटोकैड में क्विक सपोर्ट क्विक डायमेंशन टूल है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो क्विक डायमेंशन के नाम से, इस पे आपको क्लिक करना है सिंगल, इसका शॉर्टकट हम बना भी सकते हैं। अभी देख सकते हो मैं जैसे ही रेक्टेंगल में लेके जाता हूं तो हमारा डायमेंशन शो कर रहा है। क्विक कमांड यहां से लेंगे, क्विक टूल, और यहां पे जैसे ही रेक्टेंगल के ओरिजिन में लेके जाएंगे तो हमारा शो करेगा डायमेंशन, हमारा एंगल भी शो करेगा। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री का आइकन बना हुआ है, सेम उसी तरह इस अगर रेक्टेंगल में मैं लेके जाता हूं अपने कर्सर को, तो यहां पे भी मेरा डायमेंशन शो करेगा। ओके, तो ऐसे हम अपने डायमेंशन को शॉर्टकट के तरीके से चेक करके और उसका टेक्स्ट हम डाल सकते हैं, राइट। अगर जैसे ही मैं इसमें क्लिक करता हूं तो हमारा डायमेंशन जो है गायब हो जाएगा, इसमें क्लिक करेंगे तो वो चीज नहीं आएगा। ओके, बट मैं अगर चाहता हूं इसमें और भी काफी सारी हैं चीजों को, तो हम बाद में समझेंगे, फिलहाल के लिए हमारे लिए इतना ही जरूरी है। जैसे कि अगर मान लीजिए अब मैंने डायमेंशन चेक कर लिया, मुझे इस रेक्टेंगल को अलग अलग करना है, तो उसके लिए एक्सप्लोड कमांड का यूज करेंगे, एक्स एंटर करेंगे, तो हमारा रेक्टेंगल का जो आर्म है वो सभी अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो 1, 2, 3 एंड ये 4, हमारा रेक्टेंगल कमांड सारा आर्म सारी अलग अलग हो गए, बट इसका हमने एक्सप्लोड नहीं करा, तो ये हमारे सारे ज्वाइंट है। अगर मैं चाहूं इसको भी ज्वाइंट करना, फिर से सारे रेक्टेंगल के आर्म को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में अपने कीबोर्ड में जे एंटर कर दीजिए, आप ज्वाइंट हो जाएगा रेक्टेंगल, देख सकते हो यहाँ पे। ओके, सेम एक्सप्लोड करने के लिए अपने कीबोर्ड में प्रेस कीजिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, एक्स एंटर, एक्सप्लोड हो जाएगा। ज्वाइंट करने के लिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, अपने कीबोर्ड में प्रेस कीजिए जे एंटर, ज्वाइंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद में मान लीजिए कि मुझे एक मान लीजिए ये प्लॉट है, ओके, मैं चाहता हूं इसमें वॉल इंसर्ट करना, तो वॉल इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले रेक्टेंगल को एक्सक्लूड करेंगे अगर बड़ा प्लॉट है, या सिर्फ अगर बाउंड्री वॉल देना है तो हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं। जैसे कि किसी भी वॉल को इंसर्ट करने के लिए ऑफसेट कमांड से हम यूज करते हैं, ऑफसेट कमांड
से हम वाल को इंसर्ट करते हैं या वाल हम क्रिएट करते हैं, राइट। तो हम ऑफसेट कमांड का शॉर्टकट होता है, हम यूज करेंगे ऑफसेट कमांड का शॉर्टकट होता है ओ एंटर। ओ एंटर यहाँ पे आपको ऑफसेट कमांड भी मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं इसका शॉर्टकट है ओ एंटर। ओ अपने कीबोर्ड पे प्रेस कीजिए, एंटर कीजिए, ऑफसेट कमांड एक्टिवेट हो गया है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि हमें डायमेंशन दो, कितना तुम्हें चाहिए ऑफसेट। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 9 इंच, ओके 9 और इंच का सिंबल डालेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा, एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड से, लाइन पे क्लिक। और अगर आपको अंदर ऑफसेट करना है तो अंदर के साइड क्लिक कीजिए, या फिर अगर आपको बाहर क्लिक करना है, बाहर मतलब आपको वॉल चाहिए तो आप बाहर की साइड क्लिक करो। मुझे अंदर की साइड चाहिए तो मैं यहाँ पे अंदर की साइड क्लिक करता हूँ। सेम उसी तरह इस लाइन पे क्लिक, अंदर क्लिक, लाइन पे क्लिक, अगर बाहर चाहता हूँ तो बाहर क्लिक, ओके। जिस लाइन के थ्रू आप ऑफसेट करोगे वो लाइन पे क्लिक करोगे तो लाइन हाईलाइट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ओके ये लाइन हाईलाइट है हमारा। मैं इसका जो है थिकनेस डार्क कर देता हूँ, यहाँ पे आप डार्क थिकनेस शो कर रहा है, आपको अच्छे से विजुलाइज हो रहा होगा। या फिर अगर मैं चाहता हूँ इसको एक्सपेंड एक्सक्लूड कर दूं, और मैं चारों जो हमारा ये आर्म है मैं इन सबको मैं नहीं चाहता हूँ ऑफसेट करना, तो उसके लिए एक्सक्लूड करेंगे, एक्स एंटर करेंगे, हमारे चारों आर्म अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद में हम ऑफसेट कर लेंगे, वो एंटर करेंगे ऑफसेट के लिए। उसके बाद हम डायमेंशन डाल देंगे, जैसे कि मान लीजिए मुझे 4.5 इंच का इनर वॉल बनाना है, तो मैं ऑफसेट करता हूँ, लाइन पे क्लिक, अंदर क्लिक, फिर से लाइन पे क्लिक करेंगे, अंदर की साइड क्लिक करेंगे, लाइन पे क्लिक, अंदर की साइड क्लिक, ओके, लाइन पे क्लिक करेंगे और अंदर की साइड क्लिक करेंगे, तो हमारा ऑफसेट देख सकते हो रेडी हो चुका है हमारा 4.5 इंच का वॉल। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा हिस्सा है वॉल के अंदर ही जा रहा है, बट हमें नहीं चाहिए ये, क्योंकि हम तो ड्राइंग प्रिंट करेंगे, क्लाइंट को देंगे या कहीं भी अगर देते हैं तो वहाँ पे ये अंदर का वॉल तो शो नहीं करेगा, ये सिर्फ ये कॉर्नर रहेगा। तो हम इसको ट्रिम कमांड से ट्रिम कर सकते हैं, या फिर अगर कॉर्नर है तो हम उसे फ्लिट भी कर सकते हैं। फ्लिट कमांड भी मैंने बताया था, फ्लिट कमांड का यूज कर सकते हैं हम। जिसके लिए सबसे पहले हम अगर फ्लिट कमांड का यूज कर रहे हैं तो अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे एफ एंटर, उसके बाद में आर एंटर करेंगे यानी रेडियस देंगे फ्लिट के लिए, आर एंटर करेंगे, बट हम यहाँ पे अगर 90 डिग्री क्रिएट करना है, कॉर्नर क्रिएट करना है, तो हम 0 रेडियस देंगे। तो हम यहाँ पे फिर से टाइप कर देंगे 0, एफ एंटर, दोबारा से मैं बता दूं एफ एंटर, उसके बाद आर एंटर, 0 एंटर। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो है रेडियस 0 मिल गया है फ्लिट कमांड को। अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे क्लिक और दोबारा सेकंड लाइन पे क्लिक, अभी देख सकते हो हमारा जो एक्स्ट्रा जो लाइन है वो देख सकते हो गायब हो रहा है, ओके, और हमारा कॉर्नर यहाँ पे क्रिएट हो गया। बट मैं अगर यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक सर्कुलर शेप दूं, ओके, तो मैं वो भी दे सकता हूँ फ्लिट कमांड से, जिसके लिए हम एफ एंटर करेंगे, आर एंटर करेंगे, और जितना भी रेडियस का हमें सर्कुलर एक आर्च देना होगा, जैसे कि मान लीजिए मैं 6 इंच का यहाँ पे एक आर्च बना देता हूँ, तो 6 इंच, उसके यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे क्लिक, उसके बाद में सॉरी फर्स्ट लाइन पे क्लिक यहाँ पे और सेकंड लाइन पे क्लिक। अब यहाँ पे देख सकते हो एक हमारा यहाँ पे सर्कुलर टाइप में आर्च बन चुका है, ओके। अब हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं इसे, हम यहाँ पे 90 डिग्री का एक कॉर्नर क्रिएट कर देते हैं, जिसके लिए एफ एंटर, आर एंटर और 0 एंटर, ओके, यानी फ्लिट करेंगे और फ्लिट कमांड का हम रेडियस 0 दे देंगे। यहाँ पे देख सकते हो हमारा कॉर्नर जो है क्रिएट हो गया है। वापस से अपने कीबोर्ड में आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए या फिर आप स्पेस बटन को प्रेस कर दीजिए, आपका जो पिछला कमांड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो हमारा फ्लिट कमांड एक्टिवेट हो गया है, फर्स्ट लाइन पे क्लिक, सेकंड लाइन पे क्लिक, हमारा जो है ऑब्जेक्ट ट्रिम हो गया, ओके। अगर मैं यहाँ से ट्रिम कमांड से भी कर सकता हूँ इसे, जिसके लिए टी आर एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में, लाइन का जो फर्स्ट वाला है उस पर क्लिक करेंगे और एक्स्ट्रा लाइन सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे तो ट्रिम हो जाएगा, ओके। तो वैसे आप ट्रिम कमांड यूज करके आप अपने ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर सकते हो। ये काफी सारी चीजों में हमें जरूरत पड़ेगी जब हम फ्लोर प्लान बनाएंगे, तो उसमें ऑफसेट कमांड, ट्रिम कमांड, एक्सप्लोड कमांड और एक्सटेंड कमांड। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ से डोर देना है, तो सबसे पहले हम डोर देने के लिए यहाँ पे इस लाइन को जो है एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक, जिसके लिए हम एक्सटेंड करने के लिए ई एक्स एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में, एक्सटेंड कमांड का है, इसका शॉर्टकट लाइन हमारा एक्सटेंड हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ही मैं इस लाइन पे भी क्लिक करता हूँ, बिग बॉस लेके जाता हूँ इस लाइन पे, देख सकते हो ये लाइन एक्सटेंड हो रहा है, ओके। अब हमारा लाइन एक्सटेंड हो गया, जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे 4 फीट का एक डोर देना है, तो हम फिर से ऑफसेट कमांड लेंगे, वो एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में, उसके बाद में हम 4 फीट डालेंगे, 4 और फिट का सिंबल यानी डबल सिंगल इनवर्टेड कॉमा, एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में, लाइन पे क्लिक और जिधर आपको ऑफसेट देना है, जैसे कि मान लीजिए बाहर ऑफसेट देना है तो बाहर देंगे, अंदर देना है तो अंदर देंगे, जैसे मुझे अंदर देना है इन केस यहाँ पे डोर के लिए, यहाँ पे 4 फीट शो भी कर रहा है, यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, ओके। अब क्लिक कर दो आप एक बार, आपका देख सकते हो 4 फीट का एक ऑफसेट हो गया है। DLI एंटर करो अपने कीबोर्ड में और इसका डायमेंशन चेक कर लो आप, DLI एंटर, अब यहाँ पे देख सकते हो 4 फीट, ओके। उसके बाद यहाँ पे डोर दिखाने के लिए हम अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे TR एंटर यानी ट्रिम करेंगे, लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये लाइन हमारा ट्रिम हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे इस लाइन पे क्लिक करेंगे, अंदर वाली लाइन पे, बाहर वाली लाइन पे हम क्लिक नहीं करेंगे, करेंगे क्लिक जब हमारा जो लेवल होगा वो अलग होगा, तो इसलिए हम बाहर वाली लाइन पे क्लिक करेंगे, बट फिलहाल हम अंदर वाली लाइन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि जो हमारा रूम है रूम का लेवल अलग होगा और बाहर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसका लेवल अलग होगा, ओके। तो वैसे हम बना सकते हैं, और कैसे डोर वगैरह इंसर्ट करना है इन सारी चीजों को मैं जब फ्लोर प्लान बनाऊंगा तो उन सब मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ओके। सो इस वीडियो में फ्रेम उसको भी ऐसे ही देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा रेक्टेंगल है, अगर इसको तोड़ना है हमें तो एक्सप्लोर करेंगे, एक्स एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में, हमारा रेक्टेंगल का आर्म अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद में हम एक्सटेंड करेंगे इसको यहाँ तक, जिसके लिए ई एक्स एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में, यहाँ से एक्सटेंड हो जाएगा, देख सकते हो, ओके। उसके बाद में ऑफसेट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 फीट एंड 6 इंच का मुझे ऑफसेट करना है, तो अपने कीबोर्ड में टाइप कीजिए वो एंटर ऑफसेट।
स्ट्रेट कमांड एक्टिवेट हो गया और 2 feet and 6 inch यहाँ पे फिर डालेंगे, एंटर करेंगे, लाइन पे क्लिक, अंदर क्लिक, यहाँ पे देख सकते हो 2 feet 6 inch का हमारा ऑफसेट रेडी हो गया है। CR एंटर करेंगे, लाइन पे क्लिक, जो हमारा एक्स्ट्रा लाइन है उसे ट्रिम करेंगे, उसके बाद अंदर वाली लाइन पे यहाँ पे क्लिक कर दो, आपका जो है डोर का एक स्पेस रेडी हो जाएगा, राइट यहाँ पे देख सकते हो। ओके, या फिर अगर मान लो कि इस एक्स्ट्रा लाइन को आपको एक्स्ट्रा लाइन है बट ये ट्रिम नहीं हो रहा है, इसे डिलीट करना है। ये मेरा 2024 का वर्जन है AutoCAD सीरीज का, यहाँ पे देख सकते हो आप, आपका जो पुराना होगा उसमें जैसे कि ये सिंगल लाइन बचा हुआ है यहाँ पे, तो TR एंटर करता हूँ मैं ट्रिम कमांड से, देख सकते हो ये गायब हो रहा है, ट्रिम हो रहा है। बट अगर आपका पुराना वर्जन होगा तो उसमें ये ट्रिम नहीं होगा, सिंगल लाइन ट्रिम नहीं होता है उसमें। आप लाइन को सिलेक्ट करो ऐसे अपने माउस से, उसके बाद में अपने कीबोर्ड में ई एंटर कर दो, यानी इरेज, ई एंटर कर दो, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इरेज हो जाएगा। फिर या लाइन को सेलेक्ट करो या जो भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है उसे सेलेक्ट करो आप, और अपने कीबोर्ड में डिलीट बटन को आप प्रेस कर दो, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। ओके, या फिर अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट आपने डिलीट कर दिया वापस लाना है तो वो कंट्रोल जेड कर दो आप, वापस आ जाएगा। या फिर आपको मान लीजिए जैसे मैंने कि यहाँ पे मैंने कंट्रोल जेड कर दिया और मेरा ऑब्जेक्ट गायब हो गया, तो हम उसे अंडू भी कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल वाई। ओके, कंट्रोल जेड से अंडू करते हैं और कंट्रोल वाई से रीडू करते हैं, कंट्रोल वाई से। ओके, तो हम अपने पुराने ऑब्जेक्ट को वापस भी ला सकते हैं। तो इन सारी चीजों को थोड़ा ज्यादा यूज है। उसके बाद में हम टेक्स्ट कमांड को देख लेते हैं। टेक्स्ट कमांड जैसे कि मान लीजिए इस रेक्टेंगल का मुझे साइड डालना है। ओके, तो हम टेक्स्ट कमांड से डाल सकते हैं इसका साइड, जैसे कि यहां पे डाला हुआ है इस प्लान में। ओके, तो उसके लिए हम जाएंगे यहां पे टेक्स्ट कमांड लेंगे, ऑप्शन से भी टेक्स्ट कमांड ले सकते हैं, या फिर अपने कीबोर्ड में टाइप कीजिए आप टी एंटर कीजिए, उसके बाद में टेक्स्ट कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। यहां पे आप देख सकते हो अपने कीबोर्ड में, सॉरी अपने वर्क स्पेस में आप एक बार ऐसे क्लिक कीजिए रेक्टेंगल की टाइप में। अब यहां पे आप डायमेंशन डाल सकते हो कुछ भी, जो भी आप डायमेंशन डालना चाहते हो, जैसे कि मैं डाल देता हूं बॉक्स, डबल मैंने बॉक्स लिख दिया। अब जैसे कि मान लीजिए इस टेक्स्ट को अगर मैं ऐसे ही क्लोज कर देता हूं तो देख सकते हो ये काफी छोटा शो कर रहा है। ओके, अगर हम इसको चाहेंगे कि बड़ा शो करे तो उसके लिए इस पे डबल क्लिक कीजिए और एडिटिंग ऑन हो जाएगा। आपको इन पूरे को सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को, कलर को यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा इन्वर्टेड का, इसमें देख सकते हो 0 आ रहा है। हम इसमें 8 inch डाल देंगे, 8 और inch का सिंबल डालेंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद हम कीबोर्ड में एंटर प्रेस कीजिए। ये काफी बड़ा शो करेगा बट इतना बड़ा नहीं आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ से हम कलर को भी डिसाइड कर सकते हैं, जिसमें कलर में चाहिए, जैसे कि इसी कलर में चाहिए मुझे तो इसी कलर में छोड़ देता हूं, या फिर अगर मान लीजिए मुझे येलो चाहिए तो येलो पे क्लिक करता हूं यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे हम अपना जो टेक्स्ट है उसे अलाइन दे देंगे, सेंटर अलाइन कर देंगे, यहाँ पे मैं सेंटर दे देता हूँ इसको। उसके बाद में यहाँ पे क्लोज एडिटर पे क्लिक करेंगे, हमारा जो टेक्स्ट है वो काफी अच्छे से अभी शो कर रहा है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं चाहूँ इसको साइज इंक्रीज भी करना तो इंक्रीज भी कर सकता हूँ, डबल क्लिक करेंगे इस पे जो टेक्स्ट है हमारा उस पे, कंट्रोल ए करेंगे, और जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 and fit का सिंबल, सिंगल इन्वर्टेड कोमा। उसके बाद में यहाँ पे क्लोज टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट का साइज देख सकते हो बड़ा हो गया है। ओके, यहाँ पे हमारे कुछ एरो शो करेंगे, जब आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो कुछ आपको एरो शो करेंगे यहाँ पे जैसे देख सकते हो। ओके, इन एरो के थ्रू हम अपने टेक्स्ट को कमांड कर सकते हैं, जैसे कि इसमें इसका साइज बड़ा कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको इनके टेक्स्ट अच्छे से विजुलाइज नहीं हो रहे हैं या फिर कमांड नहीं हो रहे हैं, तो आप इन एरो को नजदीक ला दीजिए, जैसे एरो यहाँ पे ज्यादा दूर चला जाएगा तो आपका जो टेक्स्ट होगा आप सेलेक्ट करेंगे कहीं भी तो प्रॉब्लम करेगा। ओके, तो आप अपने जब टेक्स्ट लिख लेंगे उसके बाद में इस एरो के थ्रू आप इसे क्लोज कर देंगे। ओके, ये आपके कंट्रोल में आ जाए। सो ऐसे आप अपने टेक्स्ट को कंट्रोल कर सकते हो। ओके, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे डोर इंसर्ट करना है तो हम स्केल कमांड से बड़ा डोर लेके बना भी सकते हैं मैनुअली, या फिर हम डोर इंसर्ट भी कर सकते हैं AutoCAD के शॉर्टकट लाइब्रेरी से। ओके, लेकिन हम AutoCAD का शॉर्टकट लाइब्रेरी जो है वो बाद में सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक विंडो बनाना है, तो विंडो बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइन ले लीजिए, लाइन कमांड का शॉर्टकट होता है L, एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में। उसके बाद में आपको कहाँ पे विंडो बनाना पड़ेगा, बनाना है ये सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं सेंटर में बनाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले सेंटर लाइन लेंगे। अगर आपका सेंटर ऐसे शो नहीं कर रहा होगा आपके लाइन कमांड में या फिर आपके ऑब्जेक्ट में, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा देखने के लिए। सबसे पहले मैं इससे बाहर आ जाता हूँ लाइन कमांड से, या किसी भी कमांड से बाहर आने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में एस्केप बटन को प्रेस करना है। आपके जो कीबोर्ड है उसमें लेफ्ट साइड में सबसे कॉर्नर टॉप के कॉर्नर में मिल जाएगा एस्केप का बटन, ESC होगा एस्केप। ओके, उस बटन को आप प्रेस करोगे तो आप एस्केप करके बाहर आ जाओगे कमांड से, राइट। तो मुझे विंडो बनाना है तो सबसे पहले हम लाइन कमांड को एक्टिवेट करेंगे, जिसके लिए L एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में। उसके बाद में मुझे सेंटर में बनाना है, तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे सेंटर अगर शो नहीं कर रहा है आपका, तो आप जाएंगे यहाँ पे देख सकते हो आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्नैप, तो आपको इनमें काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मिड पॉइंट अगर आपका ऑफ हो जाता है, जैसे मैं मिड पॉइंट ऑफ कर दिया हूं, अब लाइन कमांड लेता हूं मैं, तो देख सकते हो मेरा मिड पॉइंट शो नहीं कर रहा है कहीं भी। पॉइंट तो शो कर रहा है लाइन में बट मिड पॉइंट कहीं भी शो नहीं कर रहा है। ओके, तो मिड पॉइंट शो करने के लिए फिर से हम जाएंगे इसको एक्टिवेट करेंगे स्नैप को, उसके बाद में यहां से मिड पॉइंट को एक्टिवेट करेंगे। अब देख सकते हो L फॉर लाइन लेता हूं मैं। ओके, तो अब यहां पे देख सकते हो हमारा जो लाइन कमांड से हमारा मिड पॉइंट शो करने लगा। तो हम यहां पे एक लाइन बना लेंगे लाइन कमांड से। ओके, मैं यहां पे एक लाइन कमांड से लाइन बना लिया हूं। अब मुझे डिसाइड करना है कि मेरा विंडो कितने फीट का चाहिए, उसका लेंथ और विड्थ क्या होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहां पे डाल देता हूं 2 feet 2 and fit का साइन बोल देंगे, लाइन पे क्लिक, एक बार ऊपर क्लिक और एक बार नीचे क्लिक। अब हमारा देख सकते हो हमारा 4 feet का एक विंडो रेडी हो चुका है। अब हम इसको अगर मेजर करें DLI एंटर, उसके बाद में लाइन के फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक और लाइन के लास्ट पॉइंट पे क्लिक, तभी देख सकते हो हमारा 4 feet का एक विंडो रेडी हो गया है। बट अभी हम विंडो बनाए नहीं है। ओके, मतलब साइज हमारा रेडी हो गया है।
अब हम आर इसी एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में और एक रेक्टेंगल बना लेंगे यहाँ पे। इन जो दोनों एक्स्ट्रा लाइन है जिनके रेफरेंस से हमने अपना विंडो बनाया था उसे डिलीट करेंगे और फिर से हम लाइन कमांड लेंगे एल आई एंटर। उसके बाद में इसके मीट से यानी जो हमारा रेक्टेंगल बना हुआ है इसके मीट से हम एक लाइन बनाएंगे यहाँ पे। अगर हमारा वॉल जैसे कि ये 4.5 इंच का है तो हम इसमें ऑफसेट करेंगे 0.5 का, वो एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में और 0.5 का हम इसका डायमेंशन देंगे। उसके बाद में हम इसको 0.5 दोनों साइड इंसर्ट कर देंगे। ओके 0.5 अभी हमारा देख सकते हो विंडो रेडी हो चुका है। अभी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारा लाइन थिकनेस ज्यादा है, अभी जब हम कम करेंगे तो ये काफी अच्छा दिखाई देगा। ओके बट अगर आपका वॉल अगर 9 इंच का है तो आप इसमें 1 इंच का भी ऑफसेट दे सकते हो, जैसे कि मैं 1 इंच का कर देता हूं, वो एंटर और 1 इंच का सिंबल एंटर करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं 1 इंच का सिंबल देता हूँ तो भी देख सकते हो अच्छा दिखाई दे रहा है कि हमारा विंडो है यहाँ पे। सो इस वीडियो में बस इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में फ्लोर प्लान बनाना सीखेंगे। मैंने सोचा कि ना फ्लोर प्लान बनाने से पहले ऐसा वीडियो अपलोड करूं मैं जिसमें सारी कमांड के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए ताकि फ्लोर प्लान बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और आपके मन में अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।